नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की कवायद में जुटे परिवहन विभाग ने अलग अलग अभियान चलाने के बाद अब शासन के निर्देश मिलने के बाद अमेठी परिवहन विभाग पूरी तरह से सख्त हो गया है। अमेठी परिवहन विभाग वाहन एजेंसी संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें जल्द से जल्द एजेंसी के बाहर एक रेट बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने वाले एजेंसी संचालकों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें, जिले में अलग अलग कंपनियों के कई वाहन एजेंसी हैं, वाहनों की एजेंसी हैं, और सभी एजेंसियों पर वाहनों की कीमत थोड़ी अलग रहती है, जिसके कारण एजेंसी संचालक मनमाने तरीके से वाहनों का पैसा वसूल रहे हैं। एक दिन पहले शासन ने प्रदेश के सभी एआरटीओ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सख्त हिदायत दिए और साफ साफ कहा कि वाहनों की कीमत बाहर सभी एजेंसी के रेड बोर्ड पर लगी हो। आप देख रहे हैं अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एक आदेश आपकी तरफ से जारी हुआ है, जो भी अमेठी में डीलर्स हैं, ज्यादातर देखा गया है कि अलग अलग रेट्स रहते हैं हर एजेंसी पे, क्या पूरा मामला है? शासन का भी निर्देश प्राप्त हुआ है, 3 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 3 बजे से 6 बजे तक थी, उसमें ये निर्देश दिया गया है कि सभी जनपदों के जो भी डीलर्स हैं वो अपने जो भी वाहन बेच रहे हैं मॉडल वाइज उसका रेट बोर्ड अपने शोरूम पर प्रदर्शित करेंगे। तो इसी संबंध में हमने कल मीटिंग बुलाई थी इस जनपद के डीलरों की, उनको निर्देशित किया गया कि आप अपना शोरूम प्राइस अपने शोरूम पर लिखवा करके उसका बोर्ड लगाएंगे और बोर्ड की फ़ोटो खींच करके हमें उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त मैं अचानक जांच में भी जाऊंगा, देखूंगा कि शोरूम पर इनका बोर्ड लगा है नहीं लगा है, जो नहीं लगाए होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और इसके अतिरिक्त ये भी इनसे कहा गया है कि परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवाओं को भी अपने शोरूम पर प्रदर्शित करेंगे। अभी हाल में 1 सप्ताह बाद जो जनपद के पुराने वाहन हैं उनमें भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगनी है। इस संबंध में भी बैठक में इन लोगों को निर्देशित किया गया कि अपने विनिर्माता से बात कर ले और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो पुराने वाहन हैं उनमें लगाने के लिए उनके पास क्या संसाधन है, कि आवेदक ऑनलाइन आवेदन करे तो उनको कितने दिन में ये सुविधा उनको प्रदान कर दी जाएगी। इस संबंध में भी बैठक आयोजित की गई थी। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है, जो अलग अलग एजेंसियां हैं, डीलर्स हैं, रेट ज्यादातर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, चाहे जगदीशपुर हो चाहे अमेठी हो, अगर रेट फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। जनपद वाइज रेट थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जुड़ जाती है, जहाँ से गाड़ी बनती है वहाँ से जब गाड़ी चलती है जिस जनपद में जाती है, तो दूर जनपदों के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कुछ जो है उसमें बढ़ जाती है, लेकिन इस जनपद में जो भी डीलर्स हैं उनका रेट अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम मीटिंग भी बुलाए थे, इनको निर्देशित भी किया गया है। कार्रवाई करेंगे यदि ऐसा मिलता है आपके निरीक्षण में? अगर ऐसा मिलता है तो इनका जो है ट्रेड सर्टिफिकेट हम निलंबित करेंगे। हमारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।